गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग टीचर। कैसे हैं आप सभी? एकदम मजे में? ओके। तो आपकी हिंदी की नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें आज की डेट डाल दीजिए 28/12/21। ऊपर हेडिंग डालो क्लास वर्क और यहाँ लिखेंगे मैचिंग। मैचिंग मतलब क्या? सामने सामने दो व्यंजन दिए हुए हैं, सेम सेम दिखने वाले व्यंजन को आपस में मैच करना है। मेरे साथ बोलते चलिए, ये क्या है? त, थ, द, ध और न। तो त को हमने त से मैच कर दिया, थ को थ से मैच कर दिया, द को द से मैच किया, ध से धन, ध से धनुष, इसको हमने ध से मैच कर दिया, और न से नल, इसको हमने न से नल को मैच कर दिया। इतना हो गया सबका? Yes। आपके पेज में एक लाइन छोड़ दीजिए और उसी पेज में नीचे की तरफ लिखना है। टीचर आपके यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पर आपको उसी पेज पे नीचे की साइड पे लिखना है। चलिए अब उसी पेज पे नीचे की साइड पे आपको लिखना है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। च, छ, ज और झ। इसके सामने की साइड पे लिखेंगे हम मैचिंग के लिए झ, ज, ज और छ। मैच करेंगे, देखो ये च से चम्मच है, ये च से चम्मच है, च को च से मैच, छ से छतरी, छ से छतरी, छ से छ को मैच, ज से जहाज, ज से जहाज, ज को ज से मैच, और लास्ट वाला छ से झंडा, छ से झंडा। इस तरीके से हम मैच कर देंगे। उसी पेज पे आपको लिखना है नीचे की साइड एक लाइन छोड़ के, ठीक है? जल्दी से कंप्लीट करिए वर्क एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज निकाल दीजिए और वहां पे लिखिए मिसिंग लेटर्स। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए मिसिंग लेटर्स। लिखना शुरू करेंगे। नंबर वन, गो डैश डैश गो और न। तो तो के बाद क्या आता है? ख। तो ख से खरगोश, यहाँ पे ग से गमला, और इधर आएगा घ से घर। जहां पे टीचर ने ब्लैंक लगाया है वहां पर आपको ब्लैंक लगाना है, और जहां पे नहीं लगाया है वहां पे नहीं लगाना है। बोलिए मेरे साथ, क, ख, ग, घ, ण। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है आपको और उसके बाद टू नंबर लगाना है। एक लाइन छोड़ के लिखने जाना है, ठीक है? च, छ, डैश, डैश, ञ। तो च, छ, ज, छ। बोलिए मेरे साथ, च, छ, ज, झ, ञ। फिर से एक लाइन छोड़ देनी है। हर बार आपको एक एक लाइन छोड़ते जाना है और लिखते जाना है। एक लाइन छोड़ते जाइए और लिखते जाइए। क,
इतना लिख लीजिए, फिर आगे लिखवाती हूँ। एक एक लाइन छोड़ते जाना है और आपको लिखते जाना है। चलिए बच्चों आगे की तरफ पढ़ेंगे। अब हम 4 खत्म हो गया। मैं साइड में लिख रही हूँ, आपको इसके नीचे नहीं लिखना है, अपनी नोटबुक में एक लाइन छोड़ के डाल लीजिए। 5 नंबर में लिखेंगे डैश ख ग डैश डैश। तो इस डैश में क्या लिखेंगे? ख से पहले क्या आता है? क क ख ग भ और ण, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिखनी है आपको। 6 नंबर डैश डैश जो जो डैश, तो यहां लिखेंगे जो छो जो जो यो। एक बार मेरे साथ दोहराइए फिर से। क के बाद क्या आता है? ड। ड के बाद क्या?